नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। यहाँ पे मैं बात करूँगा मस्कत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में, जो थोड़ी सी अपडेट आपके साथ शेयर करूँगा जिसको नहीं मालूम है आपके साथ बताऊँगा। साथ ही ओमान टू इंडिया फ्लाइट के भी बारे में बताऊँगा। तो चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दो, साथ ही वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दो ताकि ओमान से लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दें, क्योंकि जो इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान के यात्री, आपको मालूम होगा वहाँ से जो आने वाले यात्री, उनकी एंट्री बैन की गई है। तो वो लोग सोचते हैं कि मतलब ओमान एयरपोर्ट बंद है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें ऐसा बिल्कुल नहीं है। मस्कत इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो लगातार कंटिन्यू वो ऑपरेट कर रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस अत्य आपको बता दें कि तकरीबन 14 कंट्री हैं जिसके मतलब जो भी बाहर से आना चाहते हैं, 14 ऐसे देश हैं जिस कंट्री के लिए यात्रियों को बैन कर रखा है वहाँ से आने वालों के लिए। अगर जो बात करें यहाँ पे इंडिया, बांग्लादेश की, पाकिस्तान, तो मस्कत से वो ओमान से मतलब अपने कंट्री जा सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं होगा। अगर जो बात करें इंडिया की, तो इंडिया के जो भी लोग हैं, चाहे लखनऊ हो गया, दिल्ली हो गया, या फिर कहीं के अदर स्टेट के रहने वाले हो आप, तो आप जा सकते हो, कोई परेशानी आपको नहीं होगा। बट चाहे डायरेक्ट फ्लाइट लेके जाओ, एयर इंडिया एक्सप्रेस ऑपरेट कर रही है यहाँ पे, और एयर इंडिया भी ऑपरेट कर रही है वंदे भारत मिशन के तहत। फ्लाइट तो नहीं बंद है ना, बस ये क्या हो रहा है कि उधर के जो यात्री है, इंडिया हो गया, बांग्लादेश और पाकिस्तान के नागरिक जो हो गए, ओमान में इंटर नहीं कर, कौन से लोग इंटर कर पाएंगे, केवल और केवल जो स्वास्थ्य से रिलेटेड है, ओमानी सिटीजन हो गए और राजनीतिक हो गए, ये सब मतलब ओमान में इंटर कर सकते हैं, इनको कोई परेशानी नहीं होगा। लेकिन बाकी और नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल अभी मतलब ओमान सुप्रीम कमेटी ही इसका डिसीजन करेगी कि कब क्या करना है भाई उससे, क्योंकि बहुत सारे लोग बस वीडियो के नीचे यही कमेंट आएगा कि फ्लाइट कब चालू होगा। तो इसके रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगा तो लाजिमी ही आपके साथ शेयर किया जाएगा। फ्लाइट बंद हुई थी तब भी बताया गया था ना कि इंडिया और बांग्लादेश के और पाकिस्तान के नागरिक ओमान में नहीं आ सकते हैं, अभी कुछ समय के लिए बैन किया गया है। जैसे ही खुलेगा तो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, साथ ही वीडियो को लाइक कर देगा। नमस्कार।